नमस्ते, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अनुष्का रावत ब्लॉग में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप लोग भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी अच्छे हैं, बढ़िया हैं। और दिन की तैयारी हो रही है, लंच की टाइम देख सकते हो आप, दिखा ये है, 2:30 बजने वाले हैं। मैं बना रही हूँ गब्बू के लिए, क्योंकि अंकित तो है नहीं, तो गब्बू के बना रही हूँ मैं आलू के छोले और रोटी, क्योंकि उसको आलू के छोले बहुत पसंद है। तो दोस्तों, आज नॉर्मल सा ही बनाएंगे, लंच में आने वाली है वो थोड़ी देर में, और 10-15 मिनट में आ जाएगी। तो दोस्तों, अभी मैं बनाती हूँ जल्दी जल्दी आलू के छोले। तो तेल तो मैंने डाल दिया है, आलू भी मैंने काट के रखा है। यहाँ ये धनिया ना मेरे ऊपर गमले पे लगा हुआ था, तो इस पे देखो फूल भी लगे हुए, और मैंने ऐसे फूल ही समेत निकाल दिया ना, अच्छा भी नहीं लग रहा यार फूल समेत, क्योंकि ना ये है हमारा स्टैंड, फोन का स्टैंड है ये। मैं रख के ना रील्स बनाती हूँ कई बार किचन में, अच्छा लगता है, एकदम दिक्कत होती है ना फोन रखने की, तो इसको रख के ही मैं रील्स बनाती हूँ। तो दोस्तों, आप लोग इंस्टाग्राम पे काफ़ी फॉलो करते हो मुझे, पर मेरा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर दो ना दोस्तों प्लीज़, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर बहुत कम है अभी, बहुत 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 कम। तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब करना आप। इंस्टाग्राम पे काफ़ी लोग मुझे फॉलो करते हैं, जितना इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उतना यूट्यूब पे नहीं करते हैं। तो फिलहाल अभी लंच की तैयारी हो रही है। ये देखो खुद लग रही है, ये ऐसे घुसा रहता है ना अंदर, ये डरपोक, ये देख कैसे बैठा हुआ है, हैं डर लग रहा है तेरे को नीचे। ये हमारे आलू फ्राई हो रहे हैं बड़े ही अच्छे ढंग से। देखो हल्दी ना हमेशा पकाने में डालनी चाहिए दोस्तों, फिर हल्दी की ना स्मेल नहीं आती। मुझे ना अनुष्का के पापा ने बोला था, जब कभी भी सब्जी बनाते हो ना तो हल्दी को बल तेल में वो ही मतलब सिखाया था यार। सच बताऊँ तो जब मेरी शादी हुई थी ना, तो मेरे को खाना बनाना नहीं आता था कतई नहीं, तो उन्होंने मेरे को सिखाया था कि ऐसे ऐसे बनाना है। ये है पनीर मसाला, पता नहीं था ना, मैंने ना नमक का जो डब्बा था ना हमारा, इसके पापा दिल्ली से लाए थे, स्टील का था अच्छा सा, इतना महंगा है, 1500 का लाए थे, बोल के 1500 का है। और क्या हुआ, मैंने उस डब्बे में नमक रखा, कभी भी आप लोग स्टील के डब्बे में नमक मत रखना, पता ही देखो चटक जाते हैं ना ये, जितने जिस पे मैंने रखा ये इतना महंगा डब्बा, ये चटक गया मेरा पूरा किनारे से, दो जगह से चटक गया। जो कटोरी थी ना वो तो फेंकी थी ना, खैर वो पूरी चटक गई थी, तो मैंने अब डब्बे में रख दिया है। जब टूट गया ना तब अक्ल आई, जब डब्बा ना टूट गया तब अक्ल आई, मुझे इसमें नहीं रखना, और इससे पहले वो ऐसे छोड़ रखा था। तो दोस्तों, मैं आपको मैंने छोले कैसे बनाए हैं कमेंट जरूर करना। धनिया भी डाल रखे मैंने और खूब अच्छे से फ्राई कर रखा। आज का मौसम जो है ना बाहर का, लेकिन इस टाइम देखो कितना प्यारा मौसम हो रखा है, सुहाना सुहाना। ये देखो हवा भी चल रही है, देखो कैसे, ये देखो हवा भी चल रही है, प्यारा लग रहा है ना बाहर का मौसम, वेदर बहुत खूबसूरत, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना छोलों की। अंकित बोल रहा था परसों, दीदी तूने जब बल थोड़ा सा गब्बू के लिए बना ही दिए थे छोले, तो मेरे लिए भी बना देती यार, मुझे क्या पता था, मैंने वो उसको ना फुल अंडा और वो ब्रेड खाने की आदत पड़ी हुई है बस, तो मुझे नहीं था ना पता। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको थोड़ी देर में, अभी गब्बू आई नहीं है, तो जब गब्बू आ जाएगी तब मिलाते हैं आपको गब्बू से, और देखते हैं क्या होता है आज का दिनचर्या। तो दोस्तों, टाइम 3:30 हो रहे हैं, मेरी गब्बू अभी आ रही है स्कूल से, 3:10 पे आई और आके वॉशरूम गई, फिर अब खा मैं क्यों ट्यूशन नहीं जा पा रही, क्योंकि इसका 3 बजे से है ना, तो इसके लिए लेट हो जाता है ट्यूशन जाते जाते। अब समझ में नहीं आ रहा कि क्या होगा, इसको भेजूं या ना भेजूं, तो मैं कह रही हूँ इसको घर में पढ़ाई कर ले, अब मैं दीदी थोड़ा एक चक्कर मार के आ जाते हैं, क्योंकि घूमना बिल्कुल नहीं होता घर से बाहर निकलना। अभी 3:30 हो रहे हैं और 4:30 बजे, 4 या 4:30 बजे तक हम घर आ जाएंगे, है ना गब्बू, रह लेगी ना यहाँ ऊपर, रह लेगी वो ना,
रह लेती है वो, वैसे ना उसका भाई आ जाएगा। अरे मैं 10 रुपए ला रही हूँ। ₹10 सोनी भी सूख मैं दूंगी तेरे को 10 रुपए। इसके 10 रुपए मैंने इसके पॉकेट पे वैसे ही पानी में धो रही है, तो बोरी में छत में डाल। अरे तू रोटी खा पहले, पर रोटी फिनिश करो। 10 रुपए के लिए कैसे जा रही छत में? ये मास्क में यहाँ कहाँ रख रही है? दोस्तों हम घूम के भी आ गए हैं एक राउंड। गब्बू मैंने अकेले छोड़ रखे आज घर पे, क्योंकि ना वो ट्यूशन भी नहीं गई और आज बाहर गए। मौसम इतना सुंदर है ना, मतलब बारिश भी हो रही है और हल्की हल्की, ये देखो बादल भी लगे हुए हैं पूरे में। देखो काफ़ी लोग घूम रहे हैं इधर, देखो मौसम कैसा हो रखा है। आगे ना शादी भी हो रही है आज, अभी दिखाएंगे आपको। देखो बारिश होने वाली है और शादी के दिन जरूर होती है बारिश। तेज बारिश आ गई, बहुत तेज बारिश आ गई। देख भाई, देखो बारिश में ये कैसे काम कर रहे हैं लोग। भाई देखो इनका भी ना बेचारों का काम खराब हो रहा है। देखो तिरपाल तो लगा रखा है ना शायद, आज रात कैसे होगी तब इनकी, इनकी बारिश कैसे होगी तब, इनकी बारिश कैसे होगी, इनकी शादी कैसे होगी। यहाँ पे बारिश इतनी तेज हो रही है भाई, हम तो भीग गए आज। अरे बहुत ये मेरा फोन भी खराब हो जाएगा। ये देखो टेंट लग रहा है अभी, लग नहीं लग रखा है टेंट लग रखा है, कल रात का मेहंदी का होगा ना, ये कर रहे हैं तैयारी बेचारे। देखो आसमान सारी रंगत खराब कर देता है शादी की ना, अचानक से बारिश, अचानक से बारिश। भागो क्या पता रखी थी हमारे दोस्तों वॉक करने की, हमें नहीं था पता अचानक से ऐसी बारिश हो जाएगी। और फिर बारिश हुई, पूरे भीग के आया। यहाँ पे अंकल जी भी खड़े हैं, पूरा भीग के आया हम। अब दुकान ही खोलते हैं नहीं, बाल भी गीले हो गए। गब्बू ऊपर मजे से फोन चला रही है, कौन सा वो पढ़ रही है। तो दोस्तों आज का ब्लॉग तो ऐसा रहा, शादी है हमारे यहाँ विस्थापित में दो, और दोनों मतलब अगल बगल में, अगल मतलब 2 मिनट की दूरी में जानी है बारात। तो दोस्तों मैं पहले ऊपर गब्बू को देख के आती हूँ, उसके बाद दुकान ही खोलती हूँ सीधा। ये जूता मैंने तक ही मुतान था सारे। हेलो दोस्तों, दो शाम के 7:30 पौने कितना टाइम आनो यहाँ पे बैठ रखे हैं। बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा आज, देख सकते हो। और ये हमारी पार्टी की, देखो कोई बुनाई कर रहे हैं, कोई बैठ रखे हैं, कोई यहाँ पे। हाँ जी नमस्ते, दूध की थैली है, फुल क्रीम है, टोंड नहीं है तब आज के दिन शादी है ना दोस्तों, तो बड़ी मुश्किल है कैसे कैसे होगी उनकी शादी। गप्पियाँ लग रही है, भाभी बैठी है, लक्ष्मी दीदी, सरता दीदी, सबके सब बैठे हुए हैं यहाँ पे। यहाँ पे इनकी गप्पे लग रही है, बिजनेस तो नहीं चल रहा। तो हेलो दोस्तों, तो 8:30 हो रहे हैं और गब्बू चले गई है शादी में और मैं रह गई हूँ अकेले आज। अंकी भी चला गया है घर, कभी कभी ना पूरे घर में अकेला भी रहना पड़ता है तो बड़ा बेकार लग रहा है। अब किचन में जाने का मन तक नहीं कर रहा, और अभी मैं गेट पे ही हूँ। ये देखो ब्रोनी बाहर से देख रहा है मेरे को, ये देखो इसको मैं अंदर नहीं आने दूँगी, इसके पैर हो रखे हैं गंदे हैं, जब तक ये सूख जाएंगे ना इसके पैर तभी आएगा ये अंदर। तो दोस्तों ब्लॉग को ज़्यादा बड़ा नहीं बनाते हैं, आज के ब्लॉग यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट कीजिएगा। तो मिलते हैं जल्दी आपको दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते, और अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, एक दूसरे को सपोर्ट ज़रूर करें। तो मिलते हैं आपको, बाय बाय, नमस्ते।